अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट है कटिंग का। इससे पहले हमने सुरमई बना ली थी, सुरमई पैक हो रही है इस वक्त, चिल हो चुकी है ये सुरमई, एक एक किलो वेट करके रखी हुई है, अब ये पैक हो रही है। कोई के फिले बना के रख दिए हैं, गंदिया के फिले बना के रख दिए हैं और कुकर के फिले बना के रख दिए हैं। और क्या बनाया इस्लाम? कोई का फिले बन गया, धंधिया का फिले बन गया, कुकर का फिले बन गया, धोतर बन गया, सुरमई बन गया, धोतर सुरमई बन गया। और भी क्या बनाया? वो चेरी, चेरी का साबुत 5 किलो साबुत बनाइए और बाकी का 7 किलो का फिले बना दिया। अभी ये सब रह गए। कौन कौन सी मछली मैं दिखा देता हूँ। ये हीरा की कटिंग हो रही है, ये हम लोग एक ख़ास स्टाइल से हीरा की कटिंग करते हैं। एक साइड का फिले निकाल लेते हैं और दूसरी साइड की हड्डी को अलग नहीं करते, हड्डी के साथ स्टेक बना लेते हैं तो वेस्टेज नहीं होता। जिनको स्टेक चाहिए होता है उनको स्टेक दे देते हैं और जिनको फिले चाहिए होता है उनको फिले दे देते हैं। उसकी मैं जो ना प्राइस को थोड़ा सा इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता हूँ एडजस्टमेंट करने के लिए। ये जो दाना आप लोग देख रहे हैं ये 2 किलो 900 ग्राम का दाना था, बिल्कुल फ्रेश दाना था। ये देख लें इसका फिले, ये इसका सर है, इसका गलफड़ा चेक करें, बिल्कुल पिंक, और इसका लेस अभी तक इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये इस्लाम जो है सोल की कटिंग कर रहा है। ये पट्टी सोल है ना इस्लाम? ये पट्टी सोल है, ये भी बिल्कुल फ्रेश थी। अच्छा मोटा इसका जो है ना वो गोश्त निकला है। फिले करोगे ऐसे साबुत रहने दोगे? फिले करोगे ना, इसका भी फिले होगा। अभी दिखाना एक दाना कटिंग वाला, इसका कटा हुआ है दाना है, अभी इसका गोश्त निकलेगा। ये बहुत ही लजीज मछली है, पार्टी में हमने बनाई थी, बहुत लजीज मछली है। अब ये देखें ये जो फिले निकला है इसके, वैसे पीछे कितना ज़ाया हो गया, लेकिन मेरा अभी बिल्कुल बोनलेस जिनको चाहिए होता है उसके लिए ही सही है। साइड के कांटे हालांकि बिल्कुल बारीक हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं खा सकते। अच्छा ये वो दिखा, इसको उल्टा करके दिखाना ज़रा, ये तो सही है, इसका उल्टा करके दिखाओ पूरे को। अब ये देखें ये एक साइड का फिले निकाल लिया था, दूसरी साइड में हड्डी है ना, उस साइड की हड्डी को अलग नहीं किया बल्कि हड्डी के साथ ही उसका स्टेक बना दिया। तो ये वेस्टेज बचाने के लिए हमने अपनी नई तरीका किया हुआ है। ये मेरे लिए पॉसिबल इसीलिए है कि मेरे पास स्टेक का भी ऑर्डर होता है, फिले का ऑर्डर भी होता है। हाँ 2 किलो 900 ग्राम का था। ये सोल का बोलने से लंबा सोल, ये भी दिखा दीजिए लंबा सोल, बहुत सोल। ये लंबी वाली सोल है, इसकी शक्ल देखें ऐसी है। गोल सोल का है, ये गोल सोल है। अच्छा जी ये फिले बना रहे हैं, ये खाल अलग कर रहे हैं।
इसकी खाल मोटी होती है, खाल इसकी नहीं रख सकते साथ में, इसकी खाल हम अलग कर देते हैं। मुश्का की खाल साथ में रखते हैं, धंधिया की साथ में रखते हैं, छोटा वाला हीरा की खाल साथ में रखते हैं। कांटा निकाल लेना इसका। हाँ कांटा निकाल, छोटी वाली हीरा की कांटे वाला पीस भी रखना, फेंकना नहीं। इस्लाम कांटे वाला पीस अब फेंका नहीं करो, साथ में दे दिया करो। कांटे वाला जो पीस है ना, फेंका नहीं करो, थोड़ा मोटा बनाया उसको निकाला करो और साथ में दे दिया करो। इसको दो हिस्सा कर दूँगी। कैसी जाना था, वो अपनी मर्जी से लोग काट लेंगे। इसको बिस्किट बनाना है, बिस्किट बना लेगा। ये आराम से घर की छुरी से बन सकता है। इसका क्या बनेगा? ऐसे भी जाऊं मुझे है? इसका क्या बनेगा? ये भी ऐसे करें? ऐसे ही चले। तेरा कांड छिलका बैठा। कितने दाने हीरा के? ये स्टेक बना ले। ये छोटे तीन दाने ना, इन तीनों का स्टेक बना दो। इसका फिले करना था, इसका आधा फिले आधा स्टेक, ठीक है? बाकी की मछली भी देख लें। बाकी की मछली में ये देखें, मुश्का है, छोटे साइज की मुश्का है, इसका भी फिले बनने वाला है। ये बोई है, बोई का जो छोटा होता है उसको मोरी बोलते हैं, बड़ा वाला को बोई बोलते हैं, मुलेट मुलेट बोलते हैं। अच्छा ये गेसर है, ये देखें मैं बगैर किसी सपोर्ट के दाना बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उंगली हटा देता हूँ, मैं इसको सर से सिर्फ सर से पकड़ रहा हूँ। ये देखें दाना बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ये फ्रेशनेस की निशानी होती है, लटक नहीं रहा दाना। पहले का माल होता है ना तो ऐसा। हाँ ये दान माल आज बहुत फ्रेश मिला था मुझे। ये देखें बड़ा लॉन्च पे ऐसा नहीं मिलता, ये भी किस तरह। हाँ गुज्जे के लॉन्च में ऐसा माल नहीं होता। ये आपने गिस्सर देख लिया, आपने बोई देख ली, मुलेट गिस्सर को ग्रुपर बोलते हैं। ये मुश्का है, ये देखिए मुश्का को मैंने सर से पकड़ा हुआ है, ये सीधा खड़ा हुआ है, बुरा मुश्का है। अच्छा जी ये है कुंद, कुंद को भी देख रहे हैं कितनी लंबी मछली है, लेकिन मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ चोंच से। ये देखें एक किलो का दाना है, ये चेक करें इसकी कली, चेक करें। एक ही किलो का ऑर्डर था वो, तो हमने इस बंदे से और भी माल लिया था, हमने कहा एक दाना कुंद का भी एक किलो डाल दो, वरना एक किलो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ये कुंद हो गया एक किलो, और ये ब्लैक कुंद है, इसके देखें इसका पर काला है, और ये वाइट कुंद है। वैसे तो मैं ज़्यादा लेता हूँ वाइट कुंद, लेकिन बिसरे ऑर्डर के लिए लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा मछली दूसरी बहुत सारी आ गई थी। इसका देखें ये पीला पर बोलते हैं, लेकिन ये ग्रीनिश है। ये देखें इसकी कली नहीं है, कली कम है इसकी, तो थोड़ी पीली हो रही है। मेरा जिस वक्त लिया था उस वक्त इसका कली सही था, अभी थोड़ा पीला हो गया। अच्छा जी सोल देख रहे आपने, सोल इधर बन रहा है। एक सर
देंगे सर। और क्या है, ये कुकड़ है, कुकड़ को फ्लैट हेड बोलते हैं। इसके भी हमने फिले बनवाए हैं बोनलेस। अंडे आपके रखे हैं इधर, इसके अंदर रखे हैं। हाँ दिखाएं इधर, अंडे लेके जा रहे हैं आप, कुकड़ के अंडे। 18 किलो कुकड़ में से ये निकले अंडे, तकरीबन 670 ग्राम। ये मुश्का है, मुश्का का भी फिलेट बनेगा यार। इनके 200 रुपये वापस कर दो। WFC का शॉपर नहीं है, सादा शॉपर है।